कहते हैं कि जमाना बड़ा खराब है आजकल, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर आपको कोई परेशान करता है या आप कहीं फंस जाते हैं, तो ऐसे लोगों से बचने निपटने के लिए कुछ सेल्फ डिफेंस गैजेट्स आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो होने वाली है सुपर इंटरेस्टिंग, तो इसे पूरा देखना। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो गाइस, आज हम नंबर 1 पर शुरुआत करेंगे डिफेंडर नकल बस्टर स्टन गन से। इस सेल्फ डिफेंस प्रोडक्ट की बात करें तो ये काफी हाई टेक है और इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको ये बचा भी सकता है। ये बनाया गया है टैक्टिकल और सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के लिए। डेली अपने साथ कैरी करने के लिए ये स्टन गन एकदम परफेक्ट रहती है। हालांकि देखने में तो ये किसी गन की तरह बिल्कुल नहीं लगती। अब बात करें कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, तो गाइस इसमें रहती है बिल्ट इन लाइट, क्यूबेटॉन ग्लास ब्रेकर, जिससे आप इमरजेंसी सिचुएशन में ग्लास को भी तोड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई पर्सन कहीं परेशान करे या फिर आप पर अटैक कर दे तो उससे निपटने के लिए इसमें रहता है हाईटेक वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक, जिसे देकर आप उस अटैकर से बच सकते हैं। अपने इन फीचर्स के चलते ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सही रहता है। इन सब के साथ इसमें एक ब्लू इंक पेन भी होता है, आपको बस फिंगर्स डाल लेनी है इसमें एंड इसकी ग्रिप से इसे पकड़ लेना होगा। ग्रिप भी इसकी काफी कंफर्टेबल रहती है, तो आप काफी मजबूती से इसे पकड़ कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, डेली लाइफ में इसे एज अ सेल्फ डिफेंस गैजेट आप अपने साथ रख सकते हैं। नंबर 2 पर है सेबर एम एंड फायर। आप कहीं भी हो, घर के पास हो, घर से दूर हो या फिर कहीं बाहर गए हो, सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ऐसे में सेबर एम एंड फायर भी सेफ्टी के पर्पस से बिल्कुल सही रहेगा। सेबर एम एंड फायर पेपर जेल की मदद से आप खुद को एक सेफ डिस्टेंस से प्रोटेक्टेड रख पाएंगे। ये डिस्टेंस या फिर कहें कि इसकी रेंज होती है 15 फुट, यानी लगभग 4.5 मीटर्स की। इवन अगर आपके सामने एक से ज्यादा अटैकर्स हों या थ्रेट्स हों, तो उनसे भी आप निपट सकते हैं इसकी मदद से, क्योंकि हर जेल कार्ट्रिज से 13 बर्स्ट निकलते हैं। ये सिर्फ उसी पर्सन को इफेक्ट करती है जिसे टारगेट किया जाता है इस पर से। देखने में ये बिल्कुल एक छोटी सी पिस्टल जैसी होती है, तो इसे होल्ड करने में एंड चलाने में भी काफी आसानी हो जाती है। एक्सीडेंटली ये चल ना जाए, इसके लिए इसमें ग्रिप सेफ्टी भी होती है। इस तरह से गाइस, सेबर एम एंड फायर पेपर जेल आपको एक साथ मल्टीपल थ्रेट से भी बचा सकता है। बर्ना मिशन 4। देखने में गाइस ये आपको बिल्कुल एक AR की तरह से लग रही होगी, और लगे भी क्यों ना। ये बेस्ड होती है AR-15 प्लेटफॉर्म पर, जो कि दुनिया के सबसे पॉपुलर राइफल प्लेटफॉर्म्स में से आता है। ये बर्ना की पहली 68 कैलिबर शोल्डर फायर्ड लॉन्चर है। इसमें एक मैगजीन लगती है एंड इन मैगजीन्स को आप इसमें बहुत ही जल्दी काफी क्विकली रिलोड कर पाएंगे। वैसे देखा जाए गाइस, तो इसकी इफेक्टिव रेंज भी काफी ज्यादा रहती है, जो कि होती है 175 फीट की। दूर के टारगेट पर अच्छे से निशाना लगाने के लिए इसमें फ्लिप अप एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर साइड्स रहती हैं। मैगजीन्स इसमें दो तरह की लगती हैं, एक ऑरेंज एंड एक ब्लैक, एंड आप इन दोनों मैगजीन्स के बीच बहुत ही क्विकली स्विच भी कर सकते हैं। VZ पंच रिपर्स। गाइस, ये पंच रिपर भी एक सेल्फ डिफेंस टूल है, और ना सिर्फ ये काम आएगा आपके सेल्फ डिफेंस में, बल्कि और भी कुछ दूसरे छोटे मोटे कामों में आप इसकी मदद ले सकते हैं, जैसे कि किसी बॉक्स को काटना हो, किसी फल को काटना हो। इसे जब आप हाथ में पहनकर किसी भी चीज में मारेंगे तो ये काफी डैमेज कर सकता है उसे। यानी देखा जाए तो एक तरह से ये काफी तगड़ा टूल है सेल्फ डिफेंस के लिए। ये छोटा रहता है काफी ज्यादा, तो कैरी करने में भी काफी आसान रहता है। तो लाइक अगर आप पर कोई अटैक कर दे तो उस जगह ये आपके काम आ जाएगा सेल्फ डिफेंस के लिए। दी पेपर बॉल TCP लॉन्चर। TCP यानी कि टैक्टिकल कॉम्पैक्ट पिस्टल, लेकिन ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। ये पिस्टल है पेपर बॉल्स को शूट करने के लिए। ये एक क्विक एंड इफेक्टिव TCP लॉन्चर है। इसकी कॉम्पैक्ट पिस्टल जैसी डिजाइन के चलते इसमें 40% लेस बल्क होता है, वहीं ये 25% लाइटर यानी कि हल्की भी रहती है। इसकी मैगजीन की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें एक 6 राउंड मैगजीन लगती है। ये स्टैंडर्ड राउंड पेपर बॉल्स प्रोजेक्टाइल्स एंड लॉन्ग रेंज VXR शेप्ड प्रोजेक्टाइल्स दोनों को फायर कर सकती है। ये चलाने में काफी एक्यूरेट रहती है। बात करें इसकी रेंज की, तो वो होती है अप टू 50 यार्ड्स की, और इसे चलाने के लिए लाइन ऑफ साइट की जरूरत भी नहीं पड़ती। नंचक ग्रिप्स बाइसिकल ग्रिप्स। गाइस, कहने को एंड देखने में ये आपको एक नॉर्मल बाइसिकल ग्रिप की तरह लगेंगी, लेकिन इनका मेन सीक्रेट होता है इनके अंदर। इन बाइसिकल ग्रिप्स के अंदर सेल्फ डिफेंस के लिए अलग अलग तरह की एक्सेसरीज मौजूद रहती हैं, जिनका इस्तेमाल आप इमरजेंसी सिचुएशंस में कर सकते हैं।
लोग जब भी बाइसिकल से होते हैं तो सुनसान रास्तों को अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां पर उन पे कोई भी अटैक करके उनकी बाइसिकल छिना सकता है। और न्यूज में भी आप अक्सर ऐसी चीजें सुनते रहते होंगे। वेल, इन बाइसिकल ग्रिप्स के अंदर आपको अपने डिफेंस के लिए एक नाइफ एक्सेसरी मिल जाएगी जिसे जरूरत पड़ने पर आप अपनी बाइसिकल ग्रिप से निकाल कर यूज कर पाएंगे। इसके अलावा सिर्फ नाइफ ही नहीं बल्कि इसमें पेपर स्प्रे भी रहता है अपना बचाव करने के लिए। ये बाइसिकल ग्रिप्स ज्यादातर बाइसिकल्स की हैंडल बार में अच्छे से फिट हो जाती हैं। ये सेल्फ डिफेंस एक्सेसरीज इन ग्रिप्स में से निकालने के लिए आपको बस इनमें हल्का सा पिंच एंड पुल करना होगा और ये बाहर आ जाएंगी। तो गाइज, इन अमेजिंग बाइसिकल ग्रिप्स के चलते आप कभी भी कहीं भी जाएं एंड अगर कोई कुछ गलत करने की सोचेगा तो इसमें आने वाली नाइफ एंड पेपर स्प्रे की मदद से आप हमेशा खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार रहेंगे। स्ट्रीट वाइजेस्ट अम्ब्रेला। दोस्तों, भले आप अपने साथ एक सेल्फ डिफेंस गैजेट कैरी करिए लेकिन उसे हमेशा एक सीक्रेट रखना चाहिए, यानी छिपा कर रखना उसे बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर ऐसे आप खुलेआम अपना डिफेंस करने वाला गैजेट लेकर घूमेंगे तो अटैकर उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा। वेल, स्ट्रीट वाइज स्टर्न ब्रेला इस मामले में तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। कैसे? वो ऐसे गाइस कि ये पहली ऐसी स्टर्न गन है जो कि देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल से अम्ब्रेला की तरह लगती है, यानी इसे देखकर तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये एक स्टर्न गन भी हो सकती है। इसे पावर अप करने के लिए इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी मौजूद रहती है, साथ ही होती है बहुत ही ब्राइट LED लाइट। स्टन करने के लिए बस इसे हल्का सा स्क्वीज करना रहता है। फायदा इसका सबसे बड़ा ये है कि देखने में ये एक अम्ब्रेला लगता है तो कोई ये चीज सोच ही नहीं सकता कि ये एक्चुअल में एक अम्ब्रेला नहीं है बल्कि स्टन गन है। इससे आप अटैकर को सरप्राइज करते हुए उसे स्टन करके इमरजेंसी सिचुएशंस में खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लेजियम। पेपर स्प्रे तो आपने भी बहुत से देखे होंगे लेकिन आजकल के टाइम पर शायद सिर्फ पेपर स्प्रे से काम चला पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में दोस्तों, प्लेजियम एक स्मार्ट पेपर स्प्रे है, यानी इसके स्मार्ट फीचर्स के चलते ये आपको एक्स्ट्रा सेफ रखेगा क्योंकि एक पेपर स्प्रे होने के साथ साथ इसमें आपको लोकेशन देने के, टेक्स्ट मैसेजेस एंड कॉल्स करने के एंड सायरन और स्ट्रोब LEDs जैसे काफी सारे यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं। इसे सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको इसका ऐप डाउनलोड करना होगा अपने स्मार्टफोन में। फिर ऐप ओपन करके उसे अपने स्मार्ट पेपर स्प्रे से कर लीजिए कनेक्ट। फिर अपने उन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को इसमें ऐड कर दीजिए जिन्हें कि आप इमरजेंसी के वक्त कॉन्टैक्ट करना प्रेफर करेंगे और बस ये सेट हो गया। बात करें इस पेपर स्प्रे की रेंज की तो वो मोर देन 10 फीट होती है, यानी आप काफी दूर से ही अपने अटैकर पर इससे स्प्रे कर सकते हैं। भले ही अटैकर अकेला हो या मल्टीपल हो, उनसे आप इस स्प्रे की मदद से निपट सकते हैं। इसमें LED लाइट्स रहती हैं जो कि अंधेरे में सटीक तरीके से एम करने में आपकी काफी हेल्प कर देंगी। तो ओवरऑल गाइस, इसी के जैसे अपने कुछ और भी स्मार्ट एंड यूजफुल फीचर्स के चलते प्लेजियम हो जाता है एक परफेक्ट सेल्फ डिफेंस गैजेट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक कर दीजिए एंड ऐसे ही और लेटेस्ट गैजेट्स एंड टेक से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो दोस्तों, सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।